आजकल के युग में हार्ट अटैक एक उभरती हुई बीमारी बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये माना गया है कि हमारे देश में जितनी भी मृत्यु समय से पहले होती है उनमें से 85% मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से होती है। हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है जब हमारे दिल तक खून पूर्ण मात्रा में नहीं पहुँच पाता, जिससे हमारे दिल को संपूर्ण रूप से काम करने में दिक्कत होती है, जिसका परिणाम हार्ट अटैक के रूप में दिखाई देता है। आजकल के तेजी से बदलते हुए समय में हार्ट अटैक कम उम्र में होना एक आम बात बनती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है आजकल की पीढ़ी का बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल। अपना अधिकतर समय इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के आगे बिताना या फास्ट फूड और इंस्टेंट फूड्स का बढ़ता हुआ चलन, साथ ही साथ पूर्ण रूप से एक्सरसाइज ना करना और शराब और सिगरेट का बढ़ता हुआ उपयोग कम उम्र में हार्ट अटैक होने के चांसेस 50% तक बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल दिल है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते या इससे ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं तो हमारे दिल की धमनियों के रास्ते में फैट जम जाता है, जिससे खून दिल तक नहीं पहुँच पाता और हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल हार्ट अटैक, जिसमें हमें सीने में दर्द की आभूति होती है, घबराहट होती है, हमें मालूम होता है कि कुछ होने लगा है। और एक होता है साइलेंट अटैक, जिसमें किसी भी प्रकार के दर्द की आभूति नहीं होती। ये ज़्यादातर रात में जब लोग सोते हैं उस टाइम में बहुत कॉमन होता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए अपनी जीवन शैली में सुधार करना एक आवश्यकता बनती जा रही है। जब भी आपको सीने में जोर से दर्द होता है या घबराहट होती है तो इसको नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे कि इंग्लिश में एक फेमस कोट है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, उसी प्रकार से हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना चाहिए, जिसके लिए हमें कम से कम तला हुआ खाना खाना चाहिए, जितना हो सके उतना चलने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ योगा एक बहुत अच्छा तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ और तनाव फ्री रखने का। इन सब बातों को अपनी जीवन शैली में अपना कर हम एक सुखमय और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।